जी नाजरीन ए हमी टीवी में खुश आमदीद। तो मैं आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद का एक ये मदाफाती नवाही इलाका है सैदपुर। सैदपुर बहुत पुराना ग्राम है, गांव है। तो इस्लामाबाद बनने से भी ये कबल का है, पता नहीं कितने सौ साल पुराना है। तो बुनियादी तौर पर ये राजाओं जो राजे होते हैं ना, राजे राजगान राजपूत, ये उनकी मलकियत है। तो ये मंदिर आप देख रहे हैं जी, ये पता नहीं कितने सौ साल कितने हजार हाँ साल पुराना है जी। श्री माता का मंदिर है जी ये। अब तो मैं इसके आजकल सोशल मीडिया पर चर्चे बहुत हो रहे हैं जी, बड़ी बड़ी दूर से विजिटर आ रहे हैं विजिट करने के लिए, हालांकि अंदर कुछ भी नहीं है, मूर्तियां ख़त्म हो गई हैं, कोई उठा कर ले गया, कोई ले गया या ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन मंदिर की बाकियात तो ये देख रहे हैं आप भी मौजूद हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको मज़ीद और इसका तारफ करवाऊँ। अच्छा, सबसे पहले ये बड़ा प्यारा होटल बना हुआ है जी, ये देश पर देश। तो ये होटल देखें आप, दिखाएं जी हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे जी, ये देखें जी। तो अब आगे आए जी, अच्छा ये अब आपको दिखाता चलूं, ये है गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा बना हुआ है जी, ये आप देख रहे हैं जी, ये सिखों का गुरुद्वारा है। तो गुरुदेव जी महाराज, बाबा गुरुदेव जी नानक महाराज, तो ये उनका गुरुद्वारा है जी सिखों का। तो मंदिर वो आगे है जी, ये देखें जी, ये ज़रा कैमरा जूम करके भी दिखाएं जी हमारे देखने वालों को जी, ज़रा जी पता चले जी। तो अब इनमें मूर्तियाँ शूर्तियाँ कोई नहीं है, ख़त्म हो गई हुई हैं, पता नहीं चोर उठा कर लेके हुए हैं। तो कुछ नहीं, तारीख का कुछ भी नहीं पता, बस यही पता ये श्री माता का मंदिर है जी। तो आगे है जी, और आगे है जी, आजे 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 आजे। अच्छा ये देखेंगे, ये मंदिर है, ये दरवाजा आप यहाँ के मकामी लोगों का कहना कि ये आप दरवाजा लगवाया था। कैमरा और अंदर लेकर है जी, आजे आजे आए। ये देखे जी, जरा दिखाए जी, बड़ा प्यारे नक्शों नकार बने हुए हैं। तो यहाँ मूर्ति होती थी इनकी, श्री माता की, हरिओम। तो ये बहर उनके भजन होते हैं जी हिंदुओं के। तो वो गाना है ना रफी का, एक मोहम्मद रफी का ओल्ड सॉन्ग है, बड़ा प्यारा है वो भजन है, मंत्र पद दर्शन को आज। तो ये देखें ये मंदिर है, ये इसका ये आप देख रहे हैं जी। तो आए और भी आपको दिखाएं जी, देखने वाला बहुत कुछ है। ये क्या लिखा हुआ है जी, जानकी देवी, जानकी देवी। तो ये अब ये मुझसे तो ये लिखाई नहीं पढ़ी जा रही, तो शाह जी ये क्या लिखा हुआ जी, आप भी कुछ दे। जानकी देवी है, जानकी देवी, जानकी देवी, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, कितनी प्यारी होगी वो जानकी देवी। तो अच्छा, और शाह जी इनके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ ना हमारे लोगों ने, ये इनको छोड़े आप। तो अच्छा, ये जानकी देवी पता नहीं कौन थी, आप इसकी तो कोई तफसील हिंदू ही बता सकता है, तो वो ब्राह्मण थी या वो शूद्र थी या वो और भी होते हैं ना, ब्राह्मण भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं, खस्त्री भी होते हैं। खस्त्री तो फिर इनमें सबसे ज्यादा लड़ाकी कौम होती है ना, खस्त्री वो लड़ने वाले हिंदू होते हैं, जरा ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले आ जाते हैं, शूद्र जो होते हैं वो नीचे बैठकर ऐसे हाथ बांध कर महाराज बोलते हैं बड़े हिंदुओं को। अच्छा ये आगे आए जी, आगे आए जी शाह जी, आगे आते जाए जी, आगे आते जाए जी। अच्छा शाह जी ये बताए, ये जो इतने प्यारे नक्शो नगार बनाए गए हैं, ये उस
उसी वक्त के ये अब के है ये 2005 में हुआ था। अच्छा 2005 में महकमा औकाफ वालों ने बनाई है जी। ये दिखाएं जी, ये दरवाजे देखें कितने प्यारे हैं जी। ये शाह जी ये तो दरवाजा मुझे बहुत कुछ पुराना लगता है, ये देखें जी, ये देखें जी। अच्छा जी तो ये देख रहे हैं जी, ये मंदिर बड़ी तारीखी हसीयत का मंदिर है जी। तो यकीनन मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी खूब से खूब तर वीडियो बनाता आ जाऊं और आप देखते जाएं। अच्छा ऐसी जगह पर आकर ना मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे मैं 500-600 साल पुरानी पिछली दुनिया में चले गया हूँ, राजाओं महाराजाओं की दुनिया में। मैं मुगलों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ उनकी चीज पर। हमारे अपने भी यही ये राजे महाराजे हम इन्हीं में से ही हैं, जितने भी ये राजपूत है ये जो भी है हम इन्हीं में से ही हैं। तो इनका भी हमें तरीक उजागर करनी चाहिए। ठीक है अगर हम हिंदू नहीं है तो, लेकिन ये नहीं कि हम इनकी तरीक को दबा ही दें। नहीं, इनकी एक अपनी बड़े सगीर के मालक असल मालक तो ये है और हकीकत भी ये इनकार नहीं करेगा। मुगल हो गए पठान हो गए ये बैरूनी हमलावर कौमें हैं, बेशक ताकतवर है इसमें कोई शक नहीं है, बहादुर ताकतवर है, लेकिन यहाँ के जो थे और हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अच्छा जी शाह जी फिर और क्या दिखाएं जी, देखने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है जी। तो आए बाहर आए जी। अच्छा ये देखें जी ये बड़ा प्यारा सा। शाह जी आप इधर आए प्लीज, ये देखें जी ये बड़ा प्यारा है वो। अब ये इसके दरवाजे वगैरह, यहाँ बगल तो दरवाजा होता था वो बंद कर दिया गया है, लेकिन नक्शा नगार देखें कितने प्यारे इस छोटे से प्यारे से गुरुद्वारे के बने हुए हैं जी। तो आजकल इसका बड़ा चर्चा हो रहा है जी सोशल मीडिया के ऊपर, ये सैदपुर का मंदिर, इस्लामाबाद का तो ये गुरुद्वारा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आऊँ तो अपने लिए और अपने देखने वालों के लिए अच्छी सी वीडियो क्यों ना बनाऊं। तो यकीनन आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी मेरी दीगर दूसरी वीडियो की तरह। खुदा हाफिज़।